गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अमित सर प्लेटफॉर्म कोचिंग की तरफ से पुनः आपका स्वागत करता हूं। और आज दोस्तों हम लोग कुछ लॉजिकल के प्रश्नों को पुनः देखेंगे। आइए जानते हैं हम लोग कि कैसे आखिर हम लॉजिकल के कॉन्सेप्ट को ज्यादा बेटर बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं एक प्रश्न लिख रहा हूं। मैंने कथन लिखा, क्या मध्याह्न का भोजन योजना में खर्च किया जाने वाला राशि को उस योजना के जगह दूसरे अन्य योजना पर खर्च किया जाना चाहिए? देखिए, यहां यदि हम स्टेटमेंट को बखूबी देखें और ध्यान से देखें, तो हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या मध्याह्न का भोजन योजना में खर्च किया जाने वाला राशि को उस योजना के जगह दूसरे अन्य योजना पर खर्च किया जाना चाहिए? तो मैंने पहले ही बतलाया कि जिसमें प्रश्न पूछा जाए हमसे और हमसे हाँ या ना में जवाब जानने की चेष्टा करे, वह आर्ग्यूमेंट यानी तर्क का प्रश्न होता है। और तर्क का प्रश्न जब भी होगा तो इसके नीचे कुछ तर्क दिए होंगे, हो सकते हैं दो तर्क हो या तीन तर्क हो। तो मैं दो तर्क लिखता हूँ, इसको एक्सप्लेन करता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा इसके बारीकियों को। मैंने पहला तर्क दिया, हाँ, भारत जैसे विकासशील देश में अन्य कई ऐसी योजनाएं हैं जो मध्याह्न के भोजन योजना से ज्यादा जरूरी है, अतः इस योजना के बजाय उन योजनाओं पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ये मेरा पहला तर्क था और यही मैंने दूसरा तर्क लिखा, नहीं, मध्याह्न का भोजन योजना को कार्यान्वित रहने देना चाहिए क्योंकि इस योजना के कारण लाखों गरीब बच्चों को एक वक्त का खाना मिल जाता है जो आर्थिक रूप से गरीब परिवार से संबंधित है। देखिए मित्रों, हमारे सामने यह पूरा प्रश्न हो गया। प्रश्न के अनुसार हमसे पूछा गया कि क्या मध्याह्न का भोजन योजना में खर्च किया जाने वाला राशि को उस योजना के जगह दूसरे अन्य योजनाओं पर खर्च किया जाना चाहिए। तो जैसा कि हम जानते हैं, मिड डे मील योजना ये प्रधानमंत्री राजकोष से चलाई गई योजना थी
और इस योजना के तहत जितने भी सरकारी स्कूल हैं, चाहे वो गांव के हो या शहर के हो, बच्चों को एक वक्त का पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाया जाता है सरकारी राजकोष से। वही वो हमसे जानना चाह रहा है कि हम जो राष्ट्रीय राजकोष से पैसा निकालते हैं, उस पैसे को हम मिड डे मील योजना पे खर्च ना करके किसी अन्य योजना पे खर्च कर दें। तो सभी ने तो जवाब हाँ या ना नहीं दे रहा है, लेकिन कुछ लोगों का जवाब हाँ में भी जा सकता है और कुछ लोगों का जवाब ना में भी। तो मैं पहले भी इसकी चर्चा कर चुका हूं कि मैटर हमारा हाँ या ना नहीं करता है, मैटर करता है कि हमने हाँ या ना कहने के लिए जो रीजन दे रखा है, क्या वह रीजन हमारा परफेक्ट है। यदि रीजन परफेक्ट है तो हमारा हाँ भी सही है, और रीजन परफेक्ट है तो ना भी सही है। तो चलिए देखते हैं तर्क। पहला तर्क, उसने कहा हाँ, यानी इस हाँ ने इस कथन का सपोर्ट कर दिया कि हाँ भैया मध्याह्न के भोजन पे क्यों खर्च करना, उससे अच्छा है आप किसी और योजना पे खर्च कर दो। तो हमने जानना चाहा भैया आपने ऐसा क्यों कहा, तो उसने रीजन प्रस्तुत किया। उसने कहा भारत जैसे विकासशील देश में अन्य कई ऐसी योजनाएं हैं जो मध्याह्न के भोजन योजना से ज्यादा जरूरी है, अतः इस योजना के बजाय उन योजनाओं पे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो हमने लॉजिकल सेक्टर में बता रखा है कि जब भी जन कल्याण, जन समूह, इस सब के विरोधाभासी कुछ भी हो वह मान्य नहीं होता है। तो यहाँ हमने हाँ जैसे ही कहा, यहाँ तक सही था, लेकिन जो वो लॉजिक दे रहा है कि मध्याह्न के भोजन को बंद कर दीजिए, तो इससे तो लाखों बच्चे को फायदे होते हैं। यदि मैं इस योजना को बंद कर देता हूँ तो उन बच्चों को मिलने वाला फायदा बंद हो जाएगा, अतः यह बिल्कुल गलत तर्क है। अब हम दूसरे तर्क की ओर विचार करें, तो दूसरा तर्क कहता नहीं, दैट मींस इसने इस स्टेटमेंट का विरोध कर दिया कि नहीं मध्याह्न के भोजन योजना को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। उसके पीछे का रीजन, उसने कहा मध्याह्न का भोजन योजना को कार्यवंतित रहने देना चाहिए क्योंकि इस योजना के कारण लाखों गरीब बच्चों को एक वक्त का खाना मिल जाता है जो आर्थिक रूप से गरीब परिवार से संबंधित होते हैं। तो यहाँ तो हमारा रीजन देना बिल्कुल सही है, मध्याह्न का योजन भोजना योजन इसीलिए बना था कि वे बच्चे जो खेतों में मजदूरी करके अपना एक वक्त का खाना करते हैं, जिनके परिवार वाले अच्छा पौष्टिक आहार नहीं दे पाते हैं, जो शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं, उनके लिए योजना चलाई गई ताकि वो एक वक्त का खाना भी खा ले और अपनी शिक्षा को भी जारी रख सके। अतः हमारा दो नंबर आर्ग्यूमेंट यानी दो नंबर तर्क बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन कुछ इस प्रकार से होंगे, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या तो एक या तो दो, ना तो एक ना तो दो। तो इस स्थिति में हमारा बी नंबर ऑप्शन जाएगा कि केवल दो निष्कर्ष सही है।